Good morning, dear student. Welcome to the online class. This is the class of science of standard 7. So, हम यहाँ पर discuss कर रहे थे chapter 3, that is natural fiber. So, इसमें हम wool देख रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ से होती है. तो, goat हमने 3 types की देखी थी. Then, camel में भी हमने 3 types के camel members देखे थे, जिनसे सबसे अच्छी wool obtain होती है. ठीक है? और हमने sheep से भी देख लिया था. और properties of wool भी हमने cover कर लिया था. Next, आज हमारे यहाँ है The relative amount of cramp to wool varies from breed to breed. यानी कि जो वूल में कैम्प पड़ते हैं वो क्या होता है, उसकी जो वैरायटी होती है वो ब्रीड टू ब्रीड डिफरेंट होती है. यानी कि जैसे अब अपने ही लोगों में देख लीजिए, आपके घर में आपके माता पिता आप में सारी चीज़ें सेम नहीं है, क्या होता जाता है, वैरायटी आती जाती है तो चेंज होता जाता है. ठीक है? दिस मेक सम फ्लीसेस मोर डिज़ायरेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डलिंग. ठीक है? तो इसमें जो होता है इसलिए हम इसमें से कुछ क्वालिटीज़ चूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें उसको नए उसकी स्पिनिंग और कार्डनिंग के लिए. द वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट इन कलर. जो वूल होता है रियल जो होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है. ठीक है? सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस वूल ऑफ ब्लैक कलर. कुछ ब्राउन भी करते हैं और कुछ ग्रे कलर भी करते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है. ठीक है? तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या करती हैं, अच्छे फाइबर की कुछ क्वालिटीज़ हैं. ठीक है? तो क्या क्या है, ऑन अमाउंट ऑफ द क्रिम्प्स द वूल इज़ कंसीडर्ड रेसिलेंट्स. कि जितने उसमें क्रिम्प्स पड़ेंगे उतने ही वूल वो क्या होंगे, अच्छा माना जाएगा. इट हैज़ हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. तो इसमें क्या होता है, टेक्सटाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी उसकी ग्रिप होती है ना, जैसे कि आप क्या करते हो किसी रबड़ बैंड को खींचो और फिर वो क्या हो जाए, अपनी जगह पर आ जाए, है ना, टूटता नहीं है उसमें. टूट जैसे आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करो तो वो टूट जाए, तो उसमें ताकत है कि वो होल्ड कर सकती है. ठीक है? इलास्टिसिटी होती है, यानी फैलने की ताकत होती है. इट इज़ लाइट वेटेड, बहुत हल्का होता है एंड कैन बी ईजिली डाइड. और उसके बहुत आराम से उसे डाई किया जाए, किसी भी और कलर में कन्वर्ट किया जा सकता है. द वूल फाइबर इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. जो वूल फाइबर होता है वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का. इसका मतलब है कि वूल से जो है वो हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती, यानी कि उसमें हीट आर पार इसलिए नहीं जा सकती. ठीक है? ऑल फाइबर्स यूज फॉर क्लॉथिंग. द वुलन फैब्रिक ड्राइज मच फास्टर देन द अदर फैब्रिक्स. जो वुलन फैब्रिक्स है उसको ड्राइज करना है ना फास्टर देन द अदर फैब्रिक. ठीक है? दस द वूल इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ इन विंटर. इसीलिए जो वूल होता है वो कन्वीनियंट होता है विंटर में, क्योंकि उसमें जो है उसको सुखाना ज़्यादा आसान होता है और फैब्रिक्स के अलावा. ठीक है? ऑन अकाउंट ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज़ द वुलन फैब्रिक्स हैज एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक्स. तो इस जो इतनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी उससे ये पता चलता है कि वुलन फैब्रिक्स के पास कुछ एबिलिटी होती हैं जिससे वो एक अच्छा शेप ले सकते हैं. एंड द फैब्रिक्स मेड फॉर अदर नेचुरल मटेरियल्स. और ये जो फैब्रिक्स है वो अदर नेचुरल मटेरियल से भी मिल सकता है. ठीक है? इन्फो बिट्स देख लेते हैं. वुल इज़ अ प्रोटीनस फाइबर एंड कॉटन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, है ना. क्योंकि वुल जो होता है हमें एनिमल से मिलता है, इसलिए एनिमल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन. और जो प्लांट्स से मिल रहे हैं है ना, वो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज. दैट इज़ वाइज वुल बर्न विद द बैड स्मेल. क्योंकि प्रोटीन होता है इसलिए बैड स्मेल के साथ बर्न करता है. ठीक है? वेयर एज कॉटन डज नॉट, और कॉटन नहीं. ओके? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. शीप आर रियर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल. उसको रियर्ड किया जाता है किस पर्पस के लिए, वूल उससे लेने के लिए. ठीक है? शीप आर हार्बिवोरस. वो हार्बिवोरस होते हैं, यानी कि वो केवल और केवल प्लांट्स को ही ईट करते हैं. एंड प्रिफर्स लीव्स एंड ग्रासेस. और वो क्या कहते हैं, लीव्स एंड ग्रासेस को ही प्रेफर करते हैं. हाउएवर द वूल यील्डिंग शीप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड. कभी कभी उनको प्रोटीन रिच फूड भी दिया जाता है, सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न पल्सेस ज्वार एंड ऑयल केक. ठीक है? ताकि उनकी वूल की क्वालिटी क्या हो सके, और अच्छी हो सके. शीप फेड ऑन सच अ डाइट डेवलप्ड अ गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर. तो इससे उनके क्या होते हैं, बहुत ही कर्ली और शाइनी हेयर होते हैं. किससे, प्रोटीन रिच फूड से. डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल रिक्वायर्ड द शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड. यानी कि जो भी वूल की क्वालिटी आपको चाहिए उसी तरह के शीप को सेलेक्ट करके उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है. यानी कि ठीक है, बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शीप विद द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक. यानी कि जैसे आपको कर्ली चाहिए तो आपको कैसे शीप को चूज़ करना होगा, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी क्या हो, कर्ल हो. तो उनसे जो ब्रीड होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो भी क्या होगी, तो आपको वही क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी. ओके?
देर आर 40 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप्स ऑफ वूल, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 40 डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप्स के वूल बनाती हैं, ठीक है। अल्पाका शीप यील्डिंग फ्लीस दैट इज़ वेरी वार्म, सॉफ्ट एंड शाइनी। आपको मैंने बताया था कि जो अल्पाका शीप होती है उससे क्या होता है, बहुत ही वार्म, सॉफ्ट और शाइनी वूल यील्ड किया जाता है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीसेस इनटू वुमेन वुलन फैब्रिक्स, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे कि कैसे शेयरिंग ऑफ वूल किया जाता है, ओके।